Hi friends, I'm Anamika and welcome to my YouTube channel Anna's Recipes. Friends, बहुत दुख होता है ये देखकर कि एक आदमी जो कि मुजरिम डिक्लेयर किया जा चुका है जो एक रेप केस में पूरे तथ्य पूरे प्रमाणों के साथ हाई कोर्ट द्वारा मुजरिम डिक्लेयर किया गया है आज उसके समर्थकों ने सड़कों पे दंगे किए गाड़ियां चलाई लोगों को क्षति पहुंचाई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए घायल हुए और करीब 28 से 30 लोगों की जाने गई। ये सब क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या वजह है, और ये जो 28 लोगों की जाने गई हैं, इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार वो समर्थक हैं जिन्होंने दंगे फसाद किए? इसका कसूरवार वो बाबा है जिनके समर्थकों ने दंगे फसाद किए? इसका कसूरवार सिस्टम है? इसकी कसूरवार गवर्नमेंट है? वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं? या अगर हम ठीक से सोचें तो इसके कसूरवार हम हैं। जी हाँ, इसके कसूरवार हम हैं। हम हैं जो इन लोगों को एक ऐसी पद्धति दे देते हैं, एक ऐसे स्थान पे बिठा लेते हैं, वो पावर दे देते हैं, वो हिम्मत दे देते हैं जो इस लेवल तक बात पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, मेरा चैनल एक रेसिपी चैनल है और ये चैनल मैं इस तरह की बात आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन इतने दिनों से रेसिपीज दिखाते दिखाते आप लोगों के साथ एक रिश्ता सा बन गया है, एक रिलेशनशिप बन गया है, और आज जब मन में दुख है तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं बस एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सब जो हुआ, इसकी गलती किसकी है, इसका कसूरवार कौन है, ये हुआ क्यों, इसकी वजह क्या है, कौन है इसकी वजह? हम दोष तो दे रहे हैं सिस्टम को, गवर्नमेंट को, मगर इसका असली दोषी है कौन? वो 28 लोगों की मौत का असली दोषी कौन है? जरा सोचिए, कोई और नहीं है, हम हैं। एक्चुअली में हम ही हैं। दोस्तों, ये गुरु क्या होते हैं? ये धर्म गुरु जो आज धर्म गुरु के नाम पे जिनकी 700 एकड़ की प्रॉपर्टीज हैं, फार्म हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जिन्हें कोर्ट तक ले जाने के लिए पता नहीं कितनी वैन्स और कितने अंगरक्षक लगते हैं, या गांधी जी के जैसे नेता हैं जो कि खादी वर्दी में सड़कों पे लाठी लेके घूमते थे, साईं बाबा जैसे गुरु हैं जो कि खुद मारे मारे फिरते थे और लोगों का भला करते थे, जो या फिर जीसस क्राइस्ट जैसे देवता हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को समझाया, ईश्वर का, ईशु का मार्ग बताया और फिर उन्हीं के लिए सूली पे लटक गए। इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो ये गुरु हैं, ये भगवान है, या ये भगवान है जिनके ऊपर 700 एकड़ की प्रॉपर्टीज है, फार्म हाउसेस हैं, लग्जरीज हैं, पैसा है, जो कि आम आदमी के पास नहीं है, उन्हीं के भक्तों के पास नहीं है। तो आज ये सोचने की बात है कि ये जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है, इसका कसूरवार कौन है, और अगर इसके कसूरवार हम हैं तो इसे रोकेगा कौन, कैसे खत्म होगी ये सब चीजें? अगर हम अपने अंदर पूछें, अपने आत्मा से, तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, आज मन में दुख है लेकिन शो को आगे बढ़ाना है। आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो अगेन एक टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी है। वो है ड्राई फ्रूट्स बर्फी, मेवा बर्फी भी कहते हैं। ये बहुत रिच डिश है और बहुत टिपिकल डिश है। तो आइए देखिए ड्राई फ्रूट बर्फी के इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, टू सब्सक्राइब माय चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट माय रेसिपीज। एक कप मखाना, एक कप चीनी, एक कप खरबूजे के बीज, एक कप खसखस, एक कप बादाम, मावा, एक कप कसा हुआ नारियल, थोड़ी सी गोंद, थोड़ी सी इलायची और घी चाहिए हमें मावा तलने के लिए। डाल देते हैं एक पैन में घी और इसी घी में हम अपने मखानों को भूनेंगे। अच्छे से हमें इसे घी में भूनना है। निकाल लेते हैं इनको प्लेट पे भून जाने के बाद। ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बाकी के मखानों को भी इस तरीके से भून लेते हैं उसी घी में। अब डाल दिया हमने बादाम, इनको भी उसी घी में हमें 5 से 6 मिनट भूनना है। अब निकाल लेते हैं बादाम को भी मखानों की प्लेट में ही। अब इसी घी में डाल देते हैं गोंद और जब तक ये गोंद पूरी तरह से फूल जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए साइज में एकदम डबल हो गई है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसी घी में खरबूजे के बीज को 5 मिनट भून लेते हैं और अब डाल देंगे इसमें खसखस। ये डाल दिया हमने खसखस और दोनों को हमें 4 से 5 मिनट और भूनना है। जैसे ही ये भुन जाएगा हम इसमें कसा हुआ नारियल भी डाल देंगे। ये देखिए नारियल डाल दिया है। अब इसे 5 मिनट और भूनते हैं सिम गैस पे। ये है हमारे मेवे जो हमने तल के रेडी कर लिए थे। इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। डाल देते हैं कढ़ाई में चीनी, पानी और बना देते हैं एक तार की चाशनी। हमने 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी लिया है। ये देखिए हमारे मेवे को हमने मिक्सी में पीस लिया है और इन मेवे पे जो हमारे भुने हुए नारियल खसखस का मिक्सचर है इसे हम डाल देते हैं। एक प्लेट में घी लगा के उसको चिकनी कर लेते हैं जिससे बर्फी बनाने के बाद हम इसमें सजाएंगे। ये रेडी कर ली है मैंने घी लगा के। अब मैंने चाशनी में मावा को डाल के भून दिया है और जितने भी हमारे मावा था जो हमने मिक्सी में पीसा था और हमने जो रोस्ट किया था वो सब हमने इस मेवा में, भुने हुए मावा में मिला दिया है। गैस बंद करके हमें अच्छे से इसे मिलाना है। ये अब एकदम रेडी है। इसे जो प्लेट में हमने क्रीज किया था उसे अच्छे से बिछा देंगे। कटोरी की मदद से इसे दबा दबा के सेट कर देंगे। ये देखिए इसको हमने डेकोरेट करना है इस ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट से। और मैंने इसके पीसेस पहले से ही कट कर लिए हैं। ये एकदम रेडी है।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये ड्राई फ्रूट की बर्फी, है ना वेरी टेस्टी एंड वेरी यमी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स ये हमारे डेजर्ट सीजन की आखिरी डिश है, इसके बाद हम वेडनेसडे से बनाएंगे ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। फ्रेंड्स बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि जल्दी में ऑफिस जाते वक्त ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते, उन्हें कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट चाहिए जो बहुत जल्दी बन जाए और बहुत हेल्दी हो, और बाकी के लोग जो वर्किंग नहीं हैं उन्हें भी कुछ अलग रेसिपीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वही ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ खा खा के हम बोर हो गए हैं। तो क्यों ना ट्राई करें कुछ क्विक हेल्दी बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपीज़, उनके लिए जो डाइट पे हैं, उनके लिए जो बैलेंस डाइट कर रहे हैं, और उनके लिए जो कुछ डिफरेंट ढूंढ रहे हैं। तो वेंसडे से मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत सारी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। तो आप अभी से मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बनाने वाले हैं बहुत सारी टेस्टी यमी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।